हेलो फ्रेंड्स, ये सूट हमने बनाया है और इसमें चाक कैसे फोल्ड करते हैं इसकी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चाक कैसे बनाते हैं। ये अस्तर वाला टॉप था तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को, पसंद आए तो लाइक करें। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ये दामन कैसे फोल्ड करते हैं, ये साइड वाले या चाक कैसे फोल्ड करते हैं। ये हमने टॉप को रेडी कर रखा है बना के, साइड वाला से ये सब सिलाई लगा रखा है, ये देखिए हमारा रेडी है। सिर्फ इसको दामन फोल्ड करना है, ये चाक को फोल्ड करना है, तो दिखाते हैं आपको कैसे फोल्ड करना है। तभी हम स्टार्ट करते हैं। रखना है और ऐसा ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है, एक परत लेना है ऐसे और इसको ऐसा पलट लेना है। ये देखिए अब हम सिलाई इसको पलट के चला देंगे। ये देखिए ऐसे करना है आपको। अगर आपको अस्तर ऐसे संभालना नहीं है तो आप अस्तर को पहले कच्चा भी कर सकते हो ताकि आपको फोल्ड करने में इजी रहेगा। ये देखिए ऐसे ही फोल्ड करते रहेंगे और ये पॉइंट पे सिलाई चलाना है साइडों में। ये पक्की सिलाई है, तुरपाई वाला नहीं है, ऐसे सिलाई से दामन बनाते हैं इसलिए है। और ये देखिए सेंटर में, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये ऐसे करना है और ये इधर वैसे ही फोल्ड करना है। यहाँ पे ये सीधे से नहीं लगा देंगे। अब हम बूट को चेंज कर इसके बराबर ऐसे रख लेना है, ये देखिए, और ऐसे फिर ये सिलाई लगाना है। देखिए ऐसे पॉइंट पे सिलाई चलाते रहना। ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हो वो भी हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। ये देखिए इस साइड फोल्ड हो गया है, अस्तर को ऐसे इधर को सब लेना है ऐसे और ऐसे पकड़ के रखना, फिर सेम वैसे ही ऐसे हमको फोल्ड करना है और ये पलट और ऐसे कर देना है। अब पॉइंट पे फिर सिलाई वापस से चलाना है। पॉइंट पे याद रहे एकदम सीधे सिलाई चलाना है, अगर आपसे ज्यादा तेज चलाना नहीं हो रहा तो आप स्लो स्लो करके सीधा बट सिलाई एकदम चलाना है। ये ऐसे लगाना है और यहाँ का ये ऐसा ये सीधा करना है। ये ऐसे सिलाई चलाना है आपको। ये दोनों साइड सिलाई लगाएंगे इधर पॉइंट में भी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये फिर भी वैसे ही करना है इधर भी। ये अस्तर को अगर अस्तर न संभले तो आप कच्चा जरूर कर लेना, क्योंकि क्या होता है जब आप फर्स्ट बार सिलाओगे तो अस्तर आपको सही से होगा नहीं, इसलिए ये देखिए वापस से फिर ऐसा सेम। याद रहे इसकी चौड़ाई कम ज्यादा नहीं करना कि आपने यहाँ पे चौड़ा कर दिया फिर यहाँ पतला कर दिया, सेम मार्जिन चलना चाहिए और सेम एकदम सीधी सिलाई चलनी चाहिए। अस्तर को ऐसे आप बराबर कर सकते हैं ताकि कम ज्यादा ना हो जाए, अंदर का अस्तर खिंच नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ऐसे आप सिलाई लगाते रहेंगे। तो ये सामने ये समोसा लाइस लगी हुई है तो इधर कुछ जरूरत नहीं है। और भी किसी चीज का कटिंग या वीडियो देखना तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ये इधर कट ऐसा आपको बराबर रख लेना है, अगर ज्यादा इधर फोल्ड में चौड़ाई आती है तो आप उसको सीधा करके ऐसे कट कर सकते हैं। ये देखिए इसको सब ऐसे कटिंग कर देना है। हम क्या करेंगे अभी इसको बैक में फोल्ड करना है तो यहाँ से ऐसे बराबर लेना है, ऐसे इसको मिला के देखिए यहाँ से और यहाँ पे ऐसे रख देना है। इससे क्या रहेगा दामन कम ज्यादा नहीं रहेगी, बराबर रहेगा। कभी कभी क्या होता है आगे का सही रहता है पीछे का बड़ा हो जाता तो वैसा शिकायत नहीं रहेगी। ये ऐसे सिलाई लगाएंगे, मार्जिन क्या एक बराबर लेके जाना है, कम ज्यादा नहीं करना है क्योंकि कम ज्यादा करोगे तो लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी बैक से और फ्रंट से। ये बहुत ही इजी तरीका है, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें।
सारे चाक हमने फोल्ड कर रखे हैं, एक एक सिलाई लग गई है, बट ये ड्रेस है तो क्या है इसमें एक सिलाई नहीं रहते, इधर भी एक सिलाई लगाएंगे, तो अभी हम उसको भी लगा के आपको दिखाते हैं फिर फाइनल कैसा दिखता है सर। अगर कपड़ा को इधर से मतलब ऐसे टेढ़ा हो रहा तो आप ऐसे उंगली लगा दोगे ऐसे साइड में हल्का सा, तो क्या होगा उससे सिलाई एकदम सही चलेगी और कपड़े एकदम चाक बैठे हुए रहेंगे। सिलाई एक साइड से ही लगाना, देखिए हमारी सिलाई एकदम बराबर है और एक सही से, ऐसा नहीं कहीं पे पॉइंट पे बाहर आ जाएगी या अंदर चल जाएगी, ऐसा नहीं, एक सही से लगाना है। बैक साइड को ऐसे घुमा देंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे बहुत ही अच्छा बनता है दामन। कभी कभी क्या रहता है ये कपड़ा बहुत ऊपर को ऐसे टेढ़ा होता खींचता है, तो आप ऐसे उंगली लगा लोगे तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एकदम ये सीधा रहेगा, ये देखिए ऐसे सीधा रहेगा बिल्कुल। सूट की कटिंग कैसे करते हैं, ब्लाउज नेक कैसे बनाते हैं, सभी वीडियो हमारे चैनल पे है तो आप वो भी देख सकते हो, और अगर किसी भी चीज को कटिंग या आपको सीखना है तो उसके लिए कमेंट करें हमारे चैनल पे। अब आपको दिखाते हैं सही से कि ये कैसा लग रहा है, ये धागा कट कर देना सही से, ये देखिए ये बिल्कुल सही और एकदम फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, ऐसे आप भी बनाओगे अगर ऐसे सही से देखेंगे, और सही से अगर आपको तेज मशीन ज्यादा चलाना नहीं आता तो आप सिलो सिलो करके आराम आराम से भी बना सकते हो, तुरपाई भी कोई कोई करते इधर तो आप तुरपाई भी कर सकते हो, तो तुरपाई करने के लिए क्या रहते है ये दावन और चौड़े रहती है और कच्चा लगा लेते फिर साइड से हम तुरपाई कर लेते हैं, बट ये सिलाई से क्या रहता है पक्के दावन अच्छे से बनता है। ये देखिए पूरा टॉप रेडी हो गया है, ये चाक बहुत ही फिनिशिंग के साथ है, ये टॉप अभी हम सिला रहे थे इसी का चाक आपको दिखाया है, ये देखिए बिल्कुल सही से सीधा सिलाई है और फिनिशिंग के साथ है। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।